राहुल गांधी, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन की भी झलक जो है उसमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे अखिलेश यादव की तस्वीरें और फिर समाजवादी पार्टी साइकिल का चिन्ह, नामांकन 3 मई 2024 रायबरेली, ये राहुल गांधी की तस्वीर। राहुल गांधी की तस्वीरों के साथ साथ प्रियंका गांधी की तस्वीर। भगाड़े के साथ जो है वो कांग्रेस पार्टी का ये कार्यालय दफ्तर, यहाँ पर लोगों की भीड़ और भीड़ के साथ साथ कांग्रेस पार्टी में जो है वो मीडिया के साथ साथ तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। अपने आदरणीय केएल शर्मा जी, अपनी ऑनेस्टी, अपनी वर्कशिप, अपने लॉयल्टी, अपना पेशेंस, अपना सेक्रीफाइस गांधी परिवार के था, वो उनको इनाम मिला है। और वो स्मृति ईरानी को 6 लाख वोटों से हराएंगे। स्मृति ईरानी की जमानत जब्त होगी। स्मृति ईरानी ने जो अमेठी को लूटा, बहुत खुशी है। रायबरेली के वोटरों में, रायबरेली के मतदाताओं में एक जबरदस्त खुशी का माहौल हो गया है। और आज ही इतनी बड़ी ऐतिहासिक भीड़ होगी, ऐतिहासिक राहुल जी का नामांकन होगा कि नामांकन होने के बाद सिद्ध होगा कि आज ही के दिन जीत का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। रायबरेली एक तरफ राहुल है, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी है। और ये वही बस है, वो यही गाड़ी है जिसपे जो है बैठ करके राहुल गांधी जाएंगे। ये फूलों से इसकी साजो सजावट जो है वो शुरू हो चुकी है। अचानक आज सुबह जो है वो ऐलान होता है, अभी तक जो है वो पसोपेश की स्थिति होती है। अमेठी में भी तैयारियां हो गई होती हैं कि राहुल गांधी वहां से नामांकन करेंगे। और यहां आज जो है वो सुबह 8 बजे के करीब, 9 बजे करीब ऐलान होता है, जिसके बाद अचानक में ये सारी चीज़ें तैयारी होती हैं। अब देखिए, ये कांग्रेस का कार्यालय है, पार्टी दफ्तर है अमेठी का पार्टी दफ्तर है। यहाँ पर जो है वो रायबरेली के पार्टी कार्यालय है। और यहाँ पर देखिए, लोग जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटना शुरू हो चुके हैं। तो ये रायबरेली में तैयारी ये है। चलिए हम कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब जो ऐलान जो है वो रायबरेली अमेठी में ना होकर रायबरेली से हुआ है, राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे, तो यहाँ क्या तैयारी होती है। जी भैया, क्या नाम हुआ आपका? सर्वोत्तम मिश्रा, उपाध्यक्ष सर कांग्रेस कमेटी। क्या कहेंगे अब तो यहाँ से जो है वो ऐलान हो चुका है राहुल गांधी का? बहुत खुशी है। रायबरेली के वोटरों में, रायबरेली के मतदाताओं में एक जबरदस्त खुशी का माहौल हो गया है। और आज ही इतनी बड़ी ऐतिहासिक भीड़ होगी, ऐतिहासिक राहुल जी का नामांकन होगा कि नामांकन होने के बाद सिद्ध होगा कि आज ही के दिन जीत का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट मिलेगा, चूंकि रायबरेली की जनता को इतनी बड़ी खुशी मिली, क्योंकि रायबरेली में जो भी कुछ किया गया विकास है, गांधी परिवार का विकास, किसी दूसरे ने कोई विकास नहीं किया, इसीलिए गांधी परिवार का स्मृति करें, डर गए हमसे। नो, अरे वो तो खुदे वो डरी हुई है। उन्होंने तो कुछ किया नहीं है, सीधा जीरो। उन्होंने केवल घर बनवाया, अमेठी के लोगों का छला है। और जो अमेठी में गया है उसने अपने आदरणीय केएल शर्मा जी, अपनी ऑनेस्टी, अपनी वर्कशिप, अपने लॉयल्टी, अपना पेशेंस, अपना सेक्रीफाइस गांधी परिवार के था, वो उनको इनाम मिला है। और वो स्मृति ईरानी को 6 लाख वोटों से हराएंगे। स्मृति ईरानी की जमानत जब्त होगी। स्मृति ईरानी ने जो अमेठी को लूटा है, उसका रिजल्ट इस बार उनको भोगना पड़ेगा। अरे राहुल नहीं रहे, राहुल का राहुल इज द लायन, राहुल इज द किंग। राहुल गंभीरता में समुद्र के समान, साहस पे हिमालय के समान, क्रोध में काली यज्ञ के समान। कब तक आएंगे यहाँ पे? बस आने का समय हो रहा, तैयारियां लगी, हम लोग लगे हुए हैं। रावण को मारने के लिए राम का जन्म हुआ, कंस को मारने के लिए कर्ण का जन्म, हिरण्यकश्यप का प्राण, और अमित शाह और पूरी भाजपा या मोदी को नष्ट नाबूद समाप्त होने के लिए राहुल गांधी का रायबरेली से नामांकन हो रहा है। ऐतिहासिक, कितने वोटों से? 6,72,713। राहुल गांधी विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2024 एंड विल केएल शर्मा विल बी द विन। नो, शेर कभी नहीं डरता है। स्मृति ईरानी, उन्होंने कुछ नहीं किया, डरता कौन है जो डिसऑनेस्ट हो, डरता कौन हो जो थीप हो, डरता कौन हो जितने जनता को ठगा हो। उन्होंने अमेठी की जनता को ठगा है, अमेठी के साथ धोखा दिया। अमेठी गांधी परिवार से जाना जाता है, केएल शर्मा गांधी परिवार के हनुमान है, केएल शर्मा गांधी परिवार के हनुमान है। उनको अमेठी के एक एक गली मालूम, अमेठी के एक एक व्यक्ति को मालूम है। इन्होंने तो अमेठी की जनता कह रही कि ऐसे सुना था कि उसको अफसोस हो गया। आज रायबरेली और अमेठी सिर्फ गांधी परिवार की देन है। गांधी परिवार, यदि काले पहाड़ को स्याही मान लिया जाए, समुद्र को दावत मान लिया जाए, कल्प की शाखा को लेकर कह रहे हैं उनकी अमेठी पहचान अब स्मृति ईरानी होंगी। नहीं, अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार के नाम से जाना जाता है, जाना जाता रहेगा। द सनराइजर्स इन द ईस्ट। क्यों भैया, आ रहे मतलब क्या तैयारी आप लोगों की राहुल गांधी रायबरेली? पहली बात ये बता दूं, हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी, यू आर होनेस्ट, बहुत ही होनेस्ट लीडर, जो गरीबों के लिए हमेशा, जिनका परिवार प्राण न्यौछावर किया हो,
ऐसे नेता कौन नहीं चाहेगा। अच्छा। आज हम लोगों के अंदर उतनी खुशी की लहर है जैसे भगवान श्री राम जी सीता को जीत करके लंका से अयोध्या आए थे। अच्छा। जी तो मतलब तैयारी है, जीतेंगे हा? बहुत बड़ी तैयारी है और 6-7 लाख वोटों से जीत होगी। क्यों भैया, क्या अब तो राहुल गांधी का ऐलान हो गया रायबरेली से, क्या लग रहा है कि सोनिया की सीट जो है जिस हिसाब से वो जिताते थे आप लोग वैसे जिताएंगे? अब की क्योंकि जवान चेहरा है, नौजवानों के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणा की बात है। अब की तो समझ लीजिए कि वो रिकॉर्ड टूटेंगे जो कभी भविष्य में नहीं टूटे रायबरेली से। राहुल गांधी के आने से बहुत ज्यादा हम लोग को बहुत ज्यादा प्रशंसा है। भैया क्या लग रहा है कि अब तो ऐलान हो चुका है रायबरेली से लड़ेंगे, सोनिया वाली जीत दोहरा पाएंगे राहुल या फिर नहीं? राहुल जी सोनिया जी से भी बड़ी जीत जीतने जा रहे हैं और रायबरेली को खुशी है कि वो केवल सांसद चुनने नहीं जा रहा है, प्रधानमंत्री चुनने जा रहा अच्छा। है और ये रायबरेली का इतिहास रहा है। डर के तो उनको जो कहना है वो कहते ही रहेंगे और ये कांग्रेस है, कांग्रेस अपनी चाल पे चलती रहेगी, डरती नहीं है और उनको धराशायी करके और समझ में आ जाएगा 4 तारीख को। अच्छा तो ये तय है, मतलब आप लोगों की तैयारियां पूरी है आज? बिल्कुल तैयारी पूरी है, जनता उत्साह वाले हैं। कम से कम 50,000 आदमी की भीड़ आज नामांकन में होगी, जबकि नामांकन आज सुबह राहुल जी का नाम पता चला है सुबह सुबह जी, तब 50,000 आदमी। तैयारियां पूरी है? क्यों भैया तैयारियां? बिल्कुल तैयारियां पूरी है, जो संविधान खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है, बीजेपी मनमाने ढंग से शासन चला रही है, उसके प्रति जन आक्रोश इतना ज्यादा है, केवल रायबरेली नहीं पूरे भारतवर्ष में बिल्कुल बदलाव आपको दिखाएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है क्योंकि रायबरेली हमेशा से कांग्रेस की चहेती रही है और कांग्रेस के बिना जैसे प्राण शरीर में होते वैसे गांधी परिवार रायबरेली का प्राण है। अच्छा नहीं, वो भाजपा के वो बीजेपी वाले कहते हैं ये लोग गुलाम है, गुलामी मानसिकता है। गुलामी मानसिकता नहीं है, गुलामी से कांग्रेस ने देश को उबारा है, जो 1947 में अंग्रेजों को कांग्रेस ने भगाया था, अब 2024 में राहुल गांधी जी के और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में दोबारा बीजेपी को निष्नाबूद करके एक तरह से फिर हम लोग गुलामी से छुटकारा करके जिताएंगे और बीआर अंबेडकर का संविधान अच्छा सा लागू होगा फिर से। चलिए दिखाते हैं हम आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता किस जोश में है और किस तरीके से जो है यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो चुकी है। ये रायबरेली का कांग्रेस कार्यालय है, मेन कार्यालय है, यहाँ पर जो है वो देखिए ये किस तरीके से तैयारियां जोरों पर, युवा जो है वो झंडा प्रियंका गांधी राहुल गांधी का बैनर जो है वो पोस्टर लेके डरे हुए हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं उनसे क्या कुछ मामला है। भैया आप लोग आज तैयारी है पूरी राहुल गांधी को नमन पूरी तरीके से? राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। देखिए ये कांग्रेस भाई आज ये भैया आज देखिए तैयारियां जो है वो पूरी तेज है, किस तरीके से जो है वो युवा नौजवान जो है वो राहुल गांधी को लेकर अमेठी में जिस तरीके से तैयारियां कैसे तो देख सकते हैं यहाँ पर रायबरेली के केंद्रीय कार्यालय में जो है वो तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। यहाँ पर यही रथ है, रथ लगभग सज चुका है और इस रथ में जो है वो बैठने की भी सारी व्यवस्था, खड़े होने की भी सारी व्यवस्था कर दी गई है और ये देखिए सजावट के साथ साथ जो है वो पूरी तैयारियां राहुल गांधी। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन की भी झलक जो है वो उसमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे अखिलेश यादव की तस्वीर है और फिर समाजवादी पार्टी साइकिल का चिन्ह, नामांकन 3 मई 2024 रायबरेली, ये राहुल गांधी की तस्वीर, राहुल गांधी की तस्वीरों के साथ साथ प्रियंका गांधी की तस्वीर, प्रियंका गांधी की भी तस्वीर साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये जो है वो ढोल मजाड़ा भांगड़ा जो है वो शुरू हो चुका है। क्यों क्यों भैया भांगड़ा वगैरह लग गया? भंगाड़े के साथ जो है वो कांग्रेस पार्टी का ये कार्यालय दफ्तर, यहाँ पर लोगों की भीड़ और भीड़ के साथ साथ कांग्रेस पार्टी में जो है वो मीडिया के साथ साथ तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल आप अपने सुझाव दें।